देखिए दोस्तों, मेरा गेट है और इसका ये डोर क्लोजर खराब हो चुका है। पहले देखिए स्थिति कैसी थी, देख रहे हैं आप बिल्कुल। और रिपेयर करने के बाद दोस्तों ये देखिए, तो चलिए दोस्तों इसको खोलना स्टार्ट करते हैं एक बार। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? आज लेके आए आपके लिए डोर क्लोजर। ये देखिए मेरा डोर क्लोजर है घर का और ये खराब हो चुका है। खराब इन द सेंस ये देखिए इमीडिएटली छूट जाता है, धीरे धीरे नहीं जाता है, ठीक है, जिस वजह से गेट बहुत तेज बंद होता है। तो आज इसको रिपेयर करना बताऊंगा, वो भी केवल अंडर 2 रूपीज। बहुत सिंपल है, आप घर पे खुद कर सकते हैं। ये देखिए इसको दोस्तों, इसको को निकाल लिया है, ये वॉशर को भी निकाल लिया, इससे ये हमारा अलग हो चुका है, ठीक है। अब चलिए तो पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसको खोल लिया और खोलने के बाद अब इसको हमने साफ भी कर लिया। साफ करने के लिए दोस्तों बेस्ट मेथड है तारपीन का तेल यूज करेंगे। साफ हो चुका है, अब क्या करना है आपको, इसको सिंपली ऊपर से खोलना है नॉर्मल एक प्लास लेकर। आप जो खोलेंगे तो ये इजिली खुल जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर का ये खुल चुका है और इसमें सील होती है, वो सील खराब हो जाती है। अब मैं इसे साफ करके एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ इसमें सील कहाँ होती है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसके अंदर सिंपली आप एक गियर होता है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, और एक लंबा गियर होता है, लीनियर गियर होता है। जब इसको मूव करते हैं तो लीनियर गियर मूव करता है, साथ एक पिस्टन मूव करता है। पिस्टन मूव करने की वजह से जब पिस्टन एक तरफ आ जाता है तो साइड में होल्स होते हैं, उन होल्स की वजह से पिस्टन वापस दूसरी तरफ जाता है धीरे धीरे, जिससे गेट जो है धीरे धीरे क्लोज होता है। पर उसके लिए इसमें ऑयल होना चाहिए, अगर ऑयल नहीं है तो काम नहीं करेगा। तो क्या है, जब हम गेट को जोर से बंद करते हैं, जोर लगा के खुद बंद करने की कोशिश करते हैं, तो ऑयल का प्रेशर पड़ता है और यहाँ की जो रबड़ सील है वो खराब हो जाती है। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, एक तो यहाँ बाहर सील होती है इसकी और एक यहाँ पे अंदर की तरफ दो सील लग जाती है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये ही सील होती है रबड़ की। और ये सील ही देखिए आप, फ्लैट हो चुकी है, गोल नहीं है। अगर यहाँ पे ये राउंड शेप की होगी ये वाली सील, तो यहाँ पे ये सील बना के रखेगी, ऑयल बाहर की तरफ नहीं आएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये फ्लैट हो चुकी है, मतलब ये वाली सील हमारी खराब हो चुकी है। अब देखिए तो खोलेंगे कैसे, सिंपली एक ऑयल पिन लेनी है, ऑयल पिन को अंदर की तरफ पुश करके इस सील को बाहर की तरफ निकालना है। निकल गया दोस्तों, इसको अब हम बाहर की तरफ पुश कर देंगे। ये देखिए सिंपली एक ऐसी सील होती है और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर पूरे। पर ध्यान रखिए, इसमें ऐसी दो सील होती है, दोनों सीलों को निकालेंगे। अब नीचे की कॉलम, एक कॉलर तो फ्री हो चुकी है, अब नीचे की तरफ भी एक कॉलर है, देखिए उसको भी हम निकालेंगे। उसके लिए हम सेम ऑयल पिन का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, बस ये दोनों सील खराब हो चुकी है, इनको ही हमें रिप्लेस करना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें से हमने पूरा ऑयल बाहर निकाल लिया, पुराना ऑयल, और देखिए ये नई सील है। ये सील दोस्तों 1 रुपए की 1 आती है। अब आप पूछेंगे ये मिलती कहाँ पे है, तो दोस्तों जहां पे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स मिलते हैं उनकी सील वगैरह की प्रॉपर एक शॉप होती है, जहां पे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मशीनरी में काम आने वाली हर तरीके मिलती है। इसको ओरिंग सील बोलते हैं, वहां पे इजीली आप जाएंगे, वो स्केल की हेल्प से उनका मेजरमेंट करके आपको एग्जैक्ट सील दे देगा। ये मुझे जयपुर लोकल मार्केट में 1 रुपए की 1 मिली है। दोनों हम यहाँ पे नहीं, पे इस जगह पे इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों सील यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है। ये वाली सील हमारी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको इंस्टॉल करते हैं। अब मेन बात है, इसमें ऑयल खत्म हो गया, ऑयल कौन सा डालेंगे, ऑयल कौन सा डालेंगे दोस्तों, जो शॉकर्स में डालने वाला ऑयल होता है, नॉर्मल जो शॉकर ऑयल आता है मार्केट में, वो इसमें डाल देंगे। और इसमें अगर ऑयल है तो दोबारा ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम सिंपली वो वाला ऑयल डाल देते हैं। देखिए सारी एयर बबल निकालने के लिए आप इसको लगाएंगे इसके अंदर और एक बार मूव करेंगे तो नीचे देखिए इसमें सारा ऑयल गायब हो जाएगा। ये देख रहे हैं दोस्तों, वापस गायब हो चुका है। इसमें वापस ऑयल फिल करेंगे, ध्यान रखिए इसमें ऑयल बबल नहीं करना चाहिए, अच्छे तरीके को फिल करना है, ठीक है। अब देखिए मैं वापस करके दिखाता हूँ ये ऑयल, देखिए कैसे गायब होगा, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं लगा दिया और देखिए इसको मूव करेंगे, जैसे छोड़ेंगे सारा ऑयल नीचे चला जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, सारा ऑयल चला गया। इस तरह से आपको इसमें ऑयल फिल करना पड़ेगा दोस्तों। इस तरह से आपको 3 या 4 बार ऑयल फिल करके इसको बार बार मूव करा के सारे एयर बबल्स को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा काम कंप्लीट होगा। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे मूव कर रहे हैं और अंदर से एयर बबल्स निकल रहे हैं, मतलब अभी भी इसमें एयर है। जब तक एयर बबल निकलना बंद ना हो जाए तब तक हम इसको करते रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, एयर बबल्स निकलना बंद हो गया है तो सिंपली हम इसको यहां से पैक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको टाइट कर दिया है, इसमें यहाँ पे भी 2 ऑयल सील होती है। अगर आपके स्क्रू की तरफ से भी ऑयल निकल रहा है तो यहाँ पे भी ये 2 सील नहीं लगा दें,
मेरे वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैंने इसको खोला है सिंपली एक्स्ट्रा एयर निकालने के लिए। देख रहे हैं आपने, मैं थोड़ा मूव किया तो एयर बबल के साथ ऑयल भी थोड़ा बाहर निकल गया है। इसको वापस साफ कर लेंगे और यहां से भी थोड़ा सा ऑयल हम वापस डालेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब स्क्रू की हेल्प से आप इसकी स्पीड सेट कर सकते हैं, पर देखिए अब ये बहुत इजीली मूव कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा टाइट हो चुका है। अब इसको हम एक बार वापस गेट में लगा के चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है फर्स्ट क्लास या नहीं। तो दोस्तों देखिए, इसको मैंने फिट कर दिया है और अब आप इसका मूवमेंट देख सकते हैं, इजीली बहुत ही स्मूथली ये काम कर रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, इस अकॉर्डिंग डोर क्लोजर को आप खुद घर में रिपेयर कर सकते हैं, बहुत इजी है। आज का वीडियो नॉलेज अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।